इस देश को कैसे बचाएंगे बताइए, इसको शिखर पे कैसे ले जाएं बताइए। वो दिन कब आएगा कि होगा सत्य का ही राज, वो दिन कब आएगा कि होगा सत्य का ही राज, भक्त होने में आएगी नहीं लाज, हमें देश भक्त होने में आएगी नहीं लाज। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न है, कहाँ जा रही है संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार, ये हिसाब हमको खुद से लेना है और खुद को ही बताना है। किसी दूसरे को तो झूठ भी बोल सकते हो, पर क्या अपने आप को झूठ बोल सकते हो? जब कथा में बैठ करके भी जब गुटके का पाउच फाड़ते हो तो तनिक भी शर्म नहीं आती क्या? और फिर उसको मुंह में उड़ेल लेते हो तो नहीं लगता कि हम जानवर ही हैं, इंसान तो नहीं हो सकते? क्योंकि जानवरों को ये होश नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं, वो तो जहाँ बैठता है जैसे जैसे मंदिर में बिठा दो तो वैसा ही, और उसको कहीं कीचड़ में बिठा दो तो भी वैसा ही। तो हम तो इंसान हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, है कि नहीं है इंसान? कम ही है इंसान इस दुनिया में, इंसान की खाल है पर भीतर इंसानियत नहीं है, तो इंसान का है भीतर से निराढोर ही है। हाँ, सच्ची बात यही है, यही नहीं पता है कि कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। इतना छोटा, ये तो एक पहली सीढ़ी है भक्ति की, सीढ़ी तो बहुत बाद की बात है, ये बहुत छोटी सी लाइन है। और मुंह पूरा भरा रहता है, फिर थूकते फिरते ये नहीं पता है कहाँ थूक रहे, प्रांगण में थूक रहे, मंदिर में थूक रहे, दीवारों को बर्बाद कर रहे, घर में थूक रहे, कोने में थूक रहे, मर जाओ कहीं जाके, रस्ते खराब कर रखे हैं, जहां से निकल जाओ रस्ते खराब, दीवारें खराब, यहाँ तक कि मंदिरों की दीवारों तक भी थूका हुआ है लोगों ने। तो कैसी भक्ति है आपकी बताइए जरा, कैसी श्रद्धा है आपकी? बहुत बुरा लगता है, मन को पीड़ा होती है कि जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है। अब जब वो निकल नहीं पा रहे तो खा क्यों रहे हो, निकल जाओ ना उसको। जब वो थूकना ही है तो फिर हटाते क्यों नहीं हो इन बीमारियों को, इन विकारों को? जब वो बाहर ही निकालना है तो पूरा निकाल क्यों नहीं देते? वो जगह जगह गंदगी कर रहे हो, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है कि हम कहाँ मैला कर रहे हैं। ये देश हमारा घर है, ये जगह, ये स्थान, हर स्थान पर हमें परमात्मा देखता है। ये बोध नहीं है हमें, और बोध के बिना, ज्ञान के बिना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभि नराणम, ज्ञानम नराणम मधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशुभि समान। शास्त्र तो स्पष्ट कहता है कि पशु ही हो यदि बोध नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो। अरे बकरे को खा रहे हो, मुर्गे को खा रहे हो, अंडों को खा रहे हो, इंसानों के काम है क्या ये, बताओ जरा?
हाँ जानवर एक दूसरे का शिकार करके जानवर आपस में खाते हैं। तो तुम अपने आप को जवाब दो कि सही मायने में क्या हम इंसान हैं? बहुत से लोग तो मेरे पास भी आते हैं तो मुंह भरा रहता है, खप खप करते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या सोचते हैं लोग, समझ बिल्कुल कहाँ चली गई है। और बहुत से लोग तो मुंह में भरे रहते हैं तो वो देवी जी नहीं क्या पता, देवी जी करते हैं तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। यही बोध नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या होते जा रहे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये पुष्पद परिवार इसीलिए कथा कर रहा है, कुछ तो बदलो भाई, कुछ तो सोचो। बार बार करत करत अभ्यास से, बार बार से तो पत्थर भी बदल जाते हैं, थोड़ा तो बदलो। इतना बोध कर लो बस कि हम कहां बैठे हैं और हमें क्या करना है, बस इतना बोध कर लो। मैं जानती हूँ कि शराब के ठेके पे जाके कोई आरती नहीं करेगा, वहां तो तुम पियोगे ही पियोगे, वहां जाके तो तुम पियोगे, लेकिन कम से कम यहाँ भी गंध फैलाओ, मंदिर में जाकर भी दुर्गंध फैलाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। हृदय को पीड़ा होती है, देश क्या बदलेंगे जब हम खुद को नहीं बदल पाते, क्या बदलेंगे देश को। कथाएं केवल मनोरंजन नहीं है, कथा तुम्हें मुक्त करती है, तुम्हें इंसान बनाती है। अब मैं सुबह वैसे देखती हूँ वहां से खड़े होकर, सबको देखती हूँ कि कौन कितने पाउच खोल रहा है, और बहुत से तो उधर अंदर जाते हैं हथेली घिसने के लिए, उंगलियां घिसने के लिए थप थपा थप करते रहते हैं। सुबह सुबह आहार शुरू होता है, सुबह से ही डालना शुरू, स्नान करो, ध्यान करो, भजन करो, चरण स्पर्श करो, बड़ों को प्रणाम, सब भूल गए हैं। सुबह सुबह से आहार, जैसे पशुओं को नहीं 4 बजे चारा डाल दो तो वो तब भी शुरू, 6 बजे डाल दो तब भी शुरू, कभी भी डाल दो वो तैयार है। उनको ये नहीं देखना है कि सुबह के 6 बजे की शाम के 6 बजे, तो क्यों। भोजन की भी एक अवस्था बताइए, शास्त्र यही है, वेद कहता है ग्रामो कुकरो मा भक्ष, ग्रामो सुकरो मा भक्ष। वेद कहता है कि तुझे क्या खाना है इसका बोध कर, तुझे क्या नहीं खाना है इसका भी बोध कर, तुझे कैसे जीना है इसका भी बोध रख, और तुझे कैसे चलना है इसका भी बोध रख, तुझे क्या देखना है इसका भी बोध रख। बोध रख कि तुझे बोलना क्या है, और बोध नहीं है तो सही मायने में अभी हम इंसान बने नहीं है। दुनिया के जितने भर भी जीव हैं, प्राणी हैं, हमारे यहाँ 84 लाख योनियां बताते हैं, तो जितने भी जीव हैं वो सब बने बनाए आते हैं। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने उपदेश दिया हो कि कुत्ते को कहा हो तो कुत्ता बन, गधे को कहा हो तो गधा बन, किसी को कहा क्या, क्योंकि वो बने हुए ही आते हैं, वो जो थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे आखिरी समय तक, उनका निर्माण हुआ आया है। लेकिन मनुष्य को हर पल कहा है, मनुष्य मनोर्भव जनिया देव्यम जन्म, ए मनुष्य तू मनुष्य बन, तू मनुष्य बन, तू मनुष्य बन। इसका मतलब कि मनुष्य बन के नहीं आया जाता, आते तो हम सब एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ आकर के जैसा समाज संस्कार मिलते हैं वैसे वैसे हम बनते चले जाते हैं। तो आओ, कम से कम इतना अच्छा रस बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। हमेशा कहते हैं कि पीने से क्या फायदा, ऐसे पीने से क्या फायदा, शाम को पिएगा सुबह को उतर जाएगी, पीना है तो हरि नाम का प्याला पीकर देख ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाए। ऐसा नशा करो जो आपके पैरों को मजबूती दे, आपके पैरों को जो लड़खड़ा दे, वो समझ लो आपके लिए हित कर नहीं है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए वो हित कर नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, वो हाथ खड़ा। तंबाकू गुटखा वो एक ही उसमें आती है, अलग अलग आप नाम जो भी दें पर हाथ खड़ा करो। माताओं में से कोई आप तो पान खाती हो, हाँ
मैं सोच रही हूँ मंजू जी बार बार जाती कहाँ है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा सिगरेट पीने या बीड़ी पीने वाले लोग हाथ खड़ा कर। और जो लोग नहीं पीते ना वो बड़े खुश होते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा प्याला पीने वाले लोग हाथ खड़ा कर। अपनी अपनी देखो अभी कहा था कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए, किसी से हिसाब लीजिए मत, अपने आप को हिसाब दीजिए। ये कथा में आकर के अगर पवित्र ना हुए बुराई ना छूटी। अच्छा ठीक है आप लोगों ने सबने हाथ तो खड़ा किया, किसी ने गुटखा सिगरेट शराब जो भी आहार लेते हो मांसाहार इत्यादि, किसी के घर में मांसाहार चलता है नहीं चलता तो चलो घर में नहीं बनते। बहुत सा ये भी बड़ी समस्या है कि लोग कहते हम घर में नहीं बनाते हम बाहर खा के आ जाते हैं, तो बाहर खा के आने वाले कितने हैं। ये कृष्ण कथा से नहीं सीखोगे तो कहां से सीखोगे भाई। मैया यशोदा तो माखन खिला रही है अपने बाल गोपाल को, मिश्री खिला रही है भोजन ऐसा सुपाच्य खिला रही है। अच्छा आपने सबने हाथ खड़ा किया अपने अपने अनुकूल, पर अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो मांसाहार शराब सिगरेट गुटखा तमाकू और प्याला वगैरह जो भी लेते हैं उन सब में से अपनी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें जो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने वाले। हमारे कुछ बुजुर्गों ने हाथ खड़ा किया या कुछ लोगों ने हाथ खड़ा, इतने लोग हाथ उठा रहे थे खाने वालों में लेकिन छोड़ने वालों में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर आप कृष्ण कथा सुन नहीं रहे हो। कृष्ण कथा सुनते तो कृष्ण के प्रेमी बनते। कभी कृष्ण ने नहीं कहा कि ऐसा आहार करना है, भगवान कृष्ण ने बताया कि क्या आहार करना है, कैसा व्यवहार करना है और कैसा जीवन बनाना है। तो जो छोड़ने वाले हैं वो जरूर लिस्ट लिखवा दे, नाम लिखवा दे अपना। भाई दान करने वाले तो भाई कुंज बिहारी जी को नाम लिखवा रहे, पंडित जी को नाम लिखवा रहे, लेकिन जो ऐसे कुछ विकार छोड़ने वाले हों वो कहीं पर भी, यहाँ ब्राह्मणों को नाम लिखवा के दे दे या कहीं कोई न मिले तो आयोजक परिवार को नाम लिख के दे दे कि हम ये बुराई छोड़ना चाहते हैं। निश्चित ही यदि एक व्यक्ति ने भी ऐसी कोई बुराई छोड़ी इस कथा के माध्यम से तो ये कथा सार्थक हो जाएगी। ठाकुर जी आप सबका कल्याण करेंगे। किसी के मन में संकल्प जगा और किसी के मन के संकल्प से एक परिवार में पीने वाला व्यक्ति शराब छोड़ता है तो एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है, पूरा परिवार दुआएं देता है, पूरा परिवार प्रभु का धन्यवाद करता है और उसका पुण्य इस सारे का माध्यम तो पुष्पद परिवार ही है, तो चाहे कैसे भी सही इसका पुण्य तो परिवार को जरूर जाएगा ही जाएगा। चाहे किसी भी कर्म चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो पर उसका प्रताप तो फल तो मिलता ही मिलता है। इसलिए जो छोड़ने वाले हैं वो अपना नाम कथा के विश्राम के समय जरूर लिखा दे। आज कौन सा दिन है कथा का, कौन सा दिन है? पांचवा। कितने दिन और बचे हैं? तो कम से कम चार दिन में मन थोड़ा थोड़ा पक्का हो गया हो तो छोड़ दे। आज भी और मन पक्का करना है तो मन पक्का कर ले पूरी कथा में और फिर कथा के बाद में वो यहाँ लिख के दे दे या बोल के दे दे, आपका सम्मान व्यासपीठ से होगा, आप चिंता मत कर। अरे बुराई छोड़ने वाला बहादुर होता है, पकड़ के बैठने वाला कायर और कमजोर होता है। और बुराई आज भगवान के गिरिराज पूजन में श्री ठाकुर जी के दर्शन में अगर बुराई छूटती है यही सच्ची पूजा और सेवा भगवान के लिए हमारी तरफ से होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे प्रेम भाव में